सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके समक्ष हम पंछी उन्मुक्त गगन के अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इसके पिछली वीडियो में आपने यह जाना था कि पक्षी स्वतंत्र रहना चाहता है, वह किसी की दास्ता की जंजीरों में जकड़ा नहीं रहना चाहता है, वह चाहता है कि वह खुले आसमान में विचरण करे, भ्रमण करे। आज उसी की अगली पंक्तियों के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात वह पक्षी कहता है कि इन सोने की श्रृंखलाओं में, अर्थात सोने के पिंजरे में बंद करके और सोने की कटोरी में मैदा खाने में मुझे रुचि नहीं है। मुझे तो निमौरी अच्छी लगती है, नीम के कड़वे फल अच्छे लगते हैं, और इस श्रृंखला के बंधन में बंधने से हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं कि हमें कैसे उड़ना है और कैसे चलना है। कभी अगली पंक्तियों में पुनः कहता है कि बस अब मेरे लिए केवल वृक्षों की फुनगी, अर्थात वृक्षों का जो ऊपरी भाग का नया अंकुरण होता है, वह मेरे लिए सपना हो गया है। और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की शाखाओं पर जो झूलने का अवसर हमें मिलता था, वह सब कुछ अब मैं भूल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं किसी के जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, मैं किसी का गुलाम बनकर के रह गया हूँ। तो कवि के कहने का आशय यह है कि कवि कहता है कि सोने के पिंजरे में बंद पक्षी अधिक दिन तक बंधकर रहना नहीं चाहता है। वह कहता है कि इस प्रकार से हम अपनी स्वाभाविक चाल, उड़ने के ढंग सब कुछ भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी, अर्थात जो वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग के जो अंकुरण होते हैं, उन सबको खाना मैं भूल गया हूँ। और वृक्षों के एक शाखा से दूसरे शाखा पर झूलने का हमको मनोरंजन प्राप्त होता था, आनंद मिलता था, वह सब कुछ अब मेरे लिए सपना बनकर के रह गया है। कभी अगली पंक्तियों में पुनः कहता है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अर्थात हमारा एक अरमान था, पक्षी कहता है कि हमारा एक उद्देश्य था कि हम उड़ते उड़ते आसमान की आखिरी सीमा को प्राप्त करेंगे, लेकिन वह सब कुछ मेरा अरमान चकनाचूर हो गया। मैं एक आज सोने की जंजीरों में बंध करके अपना सब कुछ भूल गया, और मेरा एक उद्देश्य था कि उस लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी जो मेरी लाल रंग की चोंच है उसको खोल करके और उड़ते उड़ते आसमान के ऊपरी भाग पर पहुंचेंगे, और उन तारों को, जो तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, उनको अनार के दानों की तरह खा जाएंगे, निगल जाएंगे। परंतु ऐसा ना हो सका। तो कवि के कहने का आशय यह है कि कवि पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। वह कहता है कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लूं तथा सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर अनार के दाने, दाना रूपी तारों को चुग लूं, परंतु ऐसा ना हो सका। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? चलते हैं प्रश्न कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर एक, स्वर्ण श्रृंखला शब्द का अर्थ है, स्वर्ण श्रृंखला शब्द का अर्थ है। आपके विकल्प हैं का सोने की जंजीरें, खा बंधन, ग आसमान, घ उक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प का सही है, सोने की जंजीरें। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो, पक्षियों ने क्या सपने देखे थे, पक्षियों ने क्या सपने देखे थे। आपके विकल्प हैं का निमोनिया खाना, खा पेड़ पर झूलना, झूला झूलना, ग बहता जल पीना, घ इनमें से कोई नहीं।
तो आपने अनुमान लगा लिया होगा बच्चों कि पक्षी क्या चाहते थे, वे चाहते थे कि वह पेड़ के ऊपरी भाग पर एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूला झूले। तो आपका विकल्प खा सही है, क्या, पेड़ पर झूला झूलना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, पक्षियों की इच्छा क्या है, पक्षियों की इच्छा क्या है। आपके विकल्प हैं का उड़कर आसमान की सीमा पाना, खा स्वप्न देखना, ग चहचहाना, घा उक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आप इसका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, तो आपका विकल्प का सही है, उड़कर आसमान की सीमा पाना। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, तरु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तरु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपके विकल्प हैं का खग, ख जल, ग नभ, घ वृक्ष। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प घ सही है, वृक्ष। तरु का पर्यायवाची शब्द क्या है, वृक्ष है। चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बंधन में रहकर पक्षियों के साथ क्या हुआ, बंधन में रहकर पक्षियों के साथ क्या हुआ। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी। हम पुनः आपसे मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।